हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंट्राडे वेव्स। और मैं कल के लिए कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड करके रखा है, जो कि थोड़ी देर में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और उस स्टॉक के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या है और किस हिसाब से आप उस स्टॉक के अंदर अपना व्यू या पोजीशन बना सकता है, मैं एक एक करके आपको बता भी दूंगा। और डिस्क्लेमर ये रहेगा कि जो भी स्टॉक के बारे में मैं इधर आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशंस नहीं है। दिस इज़ प्योरली फॉर एडुकेशनल पर्पज़। अगर इन स्टॉक के अंदर आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना है, तो ज़रूर आप अपना फिनेंशियल एडवाइसर से कंसल्ट करने के बाद ही इस स्टॉक के अंदर ट्रेड या इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कल के लिए कौन सा स्टॉक आप अपना वॉच लिस्ट में रख सकता है? दोस्तों, कल के लिए जो स्टॉक आप अपना वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, उनमें से एक स्टॉक है जैज डायल। और जैज डायल का मैंने चार्ट आपका सामने ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ, और ये जैज डायल का चार्ट देखने से आपको पता चल जाएगा कि जैज डायल के अंदर प्राइस एक्शन किस हिसाब से चल रहा है, और इस स्टॉक के अंदर जो वैल्यू शिफ्टिंग हो रहा है, ये आपको क्लियर पता चल रहा है। जैसे देखिए कि स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड मूव हम लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन उस डाउनवर्ड मूव का जो शिफ्टिंग वैल्यू है, ये थोड़ा अपसाइड में शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। और ड्यूरिंग लास्ट टू डेज लास्ट थ्री डेज हम लोगों को इस स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड मूव देखने को भी मिला है, लेकिन आज जैसे मार्केट क्लोज हुआ है, तो इस स्टॉक के अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हम लोगों को देखने को मिला है। और इस प्राइस नीचे के तरफ से थोड़ा रिजेक्शन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो कल के लिए अगर इस स्टॉक को अगर आपको ट्रेड करना है, तो इसमें आपका व्यूज लॉन्ग रहेगा। और हो सके कि एक मार्केट ओपन होने के बाद जरूर ही एक बार आज का जो क्लोजिंग था, इस क्लोजिंग को टेस्ट करने के लिए एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। तो जैज डायल में अगर आपको एंट्री करना है, तो लॉन्ग पोजीशन आपका होना चाहिए, और ये क्लोज अबोव 364 होता है, तब जाके आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाइए। और अपना जो टारगेट रहेगा करीब 372 से लेके 376 के आसपास। तो जैज डायल में आपका एंट्री टाइप रहेगा लॉन्ग, और एंट्री अबोव 364 होता है, और सूटेबल कोई एंट्री कैंडल आपको मिलता है, तभी जाके आप उस स्टॉक के अंदर एंट्री कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी भी लेवल आपको मिल गया और आप उसी हिसाब से एंट्री कर लीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप प्रॉपर कैंडल या प्रॉपर सेटअप के लिए वेट कीजिए, और जैसे सूटेबल आपको पोजिशन एंट्री लेवल देखने को मिलेगा, तभी जाके आप इस स्टॉक के अंदर अपना पोजीशन बना सकता है। और ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट करता हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों, सेकेंड जो स्टॉक आप अपना वॉच लिस्ट में रख सकता है, ये है बार्जर पेंट। और बार्जर पेंट में भी देखिए किस हिसाब से प्राइस सेक्शन हुआ है। तो ये जो डाउन ट्रेंड लाइन था, तो ये डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना चालू किया है, और देखिए कि प्राइस के अंदर एक बुलिशनेस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये प्राइस कल ये जो लेवल है करीब 497 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तब जाके आप इस स्टॉक को लॉन्ग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और इन दैट केस आपका टारगेट जो रहेगा करीब 507 से लेके 512 के आसपास। और स्टॉप लॉस जो रहेगा दोस्तों, हर एंट्री पे आप स्टॉप लॉस प्लेस करना मत भूलिएगा। अगर इस बार्जर पेंट्स में अगर आपका पोजीशन लॉन्ग रहेगा, तो बिलो दैट एंट्री कैंडल और या तो स्विंग लो जो रहेगा, उस स्विंग लो या बिलो दैट एंट्री कैंडल आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकता है। दोस्तों, जो भी मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ, उस लेवल पे अगर सही आपको कैंडल देखने को मिलेगा, और मैं जो व्यूज बता रहा हूँ ये लॉन्ग व्यूज है, तो मार्केट का सेंटिमेंट भी अगर उसी हिसाब से रहता है, और स्टॉक के अंदर भी अगर बुलिश सेंटिमेंट रहता है, तभी जाके आप इस स्टॉक के अंदर अपना पोजीशन बना सकता है। थर्ड जो स्टॉक अपना वॉच लिस्ट में रख सकता है, ये हैवेल्स। और हैवेल्स का भी देखिए मैंने
चार्ट भी आपका सामने ओपन करके रखा है और इस स्टॉक के अंदर देखिए कि किस हिसाब से नीचे मतलब बिलो दैट जो ये जो ट्रेडिंग रेंज है इस रेंज से एक रिजेक्शन मिलता है और मिल रहा है और इस लेवल से जो सेलर्स है सेलर्स थोड़ा मतलब अपना कंट्रोल लूज होते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहा है और प्राइस के अंदर हम लोग एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकता है। तो हैवेल्स में अगर आपको पोजीशन लेना है तो प्राइस मान के चलिए कि जब आज मतलब मार्केट क्लोज हुआ था तो ये नीचे की तरफ अपना मूव चालू किया और आप वॉल्यूम भी देखिए वॉल्यूम भी थोड़ा इंक्रीज्ड वॉल्यूम के साथ हम लोगों को क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। तो कल मार्केट होने ओपन होने के बाद हो सकता है कि प्राइस और भी नीचे की तरफ मूव कर सकता है और ये जो प्रीवियस डे का मतलब आज का जो ये जो लो था इस लो को जरूर एक बार ये टेस्ट करने के लिए आएगा। ऑन फेलियर ऑफ दैट लो टेस्ट अगर प्राइस को इस लेवल से रिजेक्शन मिलता है तब जाके आप इस स्टॉक के अंदर अपना पोजीशन बना सकता है और इन दैट केस आपका जो टारगेट रहेगा और लेवल रहेगा मैं बता देता हूँ। तो क्लोज अब अगर 545 रहता है तभी जाके आप इस स्टॉक के अंदर अपना पोजीशन बना सकता है लॉन्ग पोजीशन बना सकता है और टारगेट रहेगा आपका 555। तो दोस्तों जो भी स्टॉक का बारे में मैं इधर बता रहा हूँ तो दिस इज़ प्योरली फॉर एडुकेशनल पर्पस और मेरा वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा और अपना दोस्त फ्रेंड सर्कल में जो अगर इंटरेस्टेड है स्टॉक ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में उनसे भी आप मेरा वीडियो शेयर कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉक आप अपना वॉच लिस्ट में रख सकता है ये है बायोकॉन और बायोकॉन का भी देखिए पैटर्न किस हिसाब से बन रहा है। बायोकॉन के अंदर ये एक मैंने अप ट्रेंड मतलब लॉन्ग अप ट्रेंड मतलब ड्रॉ करके रखा है लॉन्ग टाइम अप ट्रेंड ड्रॉ करके रखा है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे और देखिए इस टाइम मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ट्रेंड लाइन से प्राइस को थोड़ा मतलब एक रिजेक्शन मिल रहा है और ये ट्रेंड लाइन से प्राइस हो सके कि सपोर्ट मिलने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो बायोकॉन के अंदर देखिए अगर प्राइस 392 के ऊपर अगर क्लोजिंग होते हुए दिखाई देता है और तब जाके आप इस स्टॉक के अंदर अपना लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और बायोकॉन में भी देखिए कि ये जो बायोकॉन का जो वैल्यू जो शिफ्ट हो रहा है ये वैल्यू शिफ्ट भी मैंने जो मतलब डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा है आप देखिए कि प्राइस किस हिसाब से शिफ्ट हो रहा है और प्राइस के अंदर हम लोग थोड़ा एक मतलब बुलिशनेस थोड़ा मतलब आने वाले दिनों के लिए एक्सपेक्ट कर सकता है। तो फॉर द फॉर टुमारो अगर ये जो लेवल है करीब 392 इस 92 से अगर प्राइस को सपोर्ट मिलता है और प्राइस ऊपर की तरफ प्रिंट करना चालू करता है तब जाके आप अपना इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इन दैट केस आपका टारगेट रहेगा करीब 398 से लेके 402। और आखिरी जो स्टॉक मेरा लिस्ट में है और इस स्टॉक का नाम है सेंचुरी टेक्स्ट और सेंचुरी टेक्स्ट में मैं थोड़ा बेरिश हूँ और मेरा व्यू थोड़ा बेरिश है क्योंकि ये जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मैंने जो चार्ट आपका सामने ओपन करके रखा है देखिए कि प्राइस से इस लेवल से हो सके थोड़ा रिजेक्शन मिल सकता है और ये थोड़ा एक डबल बटन टाइप का मतलब पैटर्न का टाइप मतलब डबल बटन पैटर्न की तरफ प्रिंट करते हुए हम लोगों को दिखाई दे सकता है। तो प्राइस अगर ये जो लेवल है करीब 308 इस लेवल से प्राइस को अगर रिजेक्शन मिलता है तब जाके आप इस स्टॉक को कॉल के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकता है और बिफोर मेकिंग एनी एंट्री आप उस स्टॉक के अंदर क्या प्राइस एक्शन चल रहा है और उस स्टॉक के अंदर मतलब ये सेंचुरी टेक्स के अंदर अगर जिस टाइम आप एंट्री लेंगे उस टाइम स्टॉक के अंदर बायर्स या बुल्स का मतलब सेलर्स का किसका कंट्रोल ज़्यादा है ये थोड़ा डिसाइड करने के बाद ही आपको इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैंने आपको लेवल रहता है शॉर्ट और आपने ब्लाइंडली उस स्टॉक के अंदर शॉर्ट पोजीशन ले लीजिएगा ऐसा दोस्त मत कीजिए। मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट का क्या सेंटिमेंट है ये थोड़ा आप देखिए और उस स्टॉक के अंदर किसका कंट्रोल ज़्यादा है
और उसी हिसाब से आपको मतलब मार्केट में एंट्री लेना पड़ेगा। तो आज जैसे मार्केट ओपन हुआ, मैं आपको थोड़ा एक हिंट बता देता हूँ कि मार्केट में देखिए ह्यूज बुलिश वॉल्यूम हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे मार्केट क्लोज होते गए उसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब जो बायर्स है, बायर्स का थोड़ा कंट्रोल कम होते हुए हम लोगों को दिखाई देता है। हो सके कि प्राइस मतलब कल एक बार फिर ऊपर की तरफ मूव करना चालू करेगा। अगर इस लेवल पे अगर ये प्राइस इंक्रीज्ड वॉल्यूम का साथ हम लोग को दिखाई नहीं देगा, तब जाके आप इस स्टॉक को शॉर्ट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और इन दैट केस आपका टारगेट रहेगा करीब 300 से लेके 296 के आसपास। तो दोस्तों जो कल के लिए मेरा मतलब वॉच लिस्ट में जो स्टॉक था मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।